हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी फ्यूजन और आज फिर से आ गए हैं एक और वीडियो के साथ दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने सोल्व किए थे ऑटो कैड के एमसीक्यू जो कि इसरो के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं तो ये उसी सीरीज का सेकंड पार्ट है जिसमें हम आगे के कुछ और क्वेश्चन जो हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं उनको हम सोल्व करेंगे तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन ऑटोकैड में कुंडलिनी पर किसी वस्तु को व्यूबद्ध करने के लिए कौन से आदेश का उपयोग किया जाता है इन ऑटोकैड वट इज़ द कमांड फॉर एरेइंग एन ऑब्जेक्ट ऑन ए हेलिक्स ऑप्शन ए है एरे हेलिक्स ऑप्शन बी एरे पाथ ऑप्शन सी एरे स्प्लाइन या फिर ऑप्शन डी एरे लाइन तो अगर हेलिक्स पे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट एरे करना है तो उसके लिए जो हम कमांड यूज करेंगे वो होगा दोस्तों एरे पाथ ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू ध्रुवीय समकक्षों का प्रयोग अधिकतर डैश के आरेखन में किया जाता है पोलर कोऑर्डिनेट तो का यूज हम कब करते हैं दोस्तों जब हमें लाइन्स क्रिएट करनी होती है एंगल्स पे तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर एंगल्ड लाइन्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री पूरक गोलाई के लिए अधिकतर कैड तंत्रों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला शब्द डैश है द टर्म यूज बाई मोस्ट कैड सिस्टम फॉर राउंडिंग कॉर्नर्स इज ऑप्शन ए चैम्पर ऑप्शन बी कर्व ऑप्शन सी फिलेट या फिर ऑप्शन डी स्मूद तो दोस्तों राउंडिंग कॉर्नर्स के लिए जो अधिकतर कैड सॉफ्टवेयर में हम टर्म यूज करते हैं वो है दोस्तों फिलेट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर निम्नलिखित में से कौन सा व्रत के चित्रण के लिए सही विकल्प नहीं है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन फॉर ड्राइंग ए सर्कल ऑप्शन से थ्री पॉइंट ऑप्शन बी टेन टेन सेंटर ऑप्शन सी टेन टेन रेडियस या फिर ऑप्शन डी टेन टन टेन तो दोस्तों सर्कल हम थ्री पॉइंट से क्रिएट कर सकते हैं टेंजेंट टेंजेंट रेडियस से भी हम क्रिएट कर सकते हैं या फिर थ्री टेंजेंट से हम क्रिएट कर सकते हैं टेंजेंट टेंजेंट सेंटर से हम सर्कल क्रिएट नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फाइव इन ऑटो कैड फंक्शन की एफ एट इज फोर ऑप्शन ई स्नैप मोड ऑन एंड ऑफ ऑप्शन बी ऑर्थो मोड ऑन एंड ऑफ ऑप्शन सी कमांड मोड ऑन एंड ऑफ या फिर ऑप्शन डी ग्रिड मोड ऑन एंड ऑफ तो एफ एट का दोस्तों मुझे लगता है आप सभी को पता होगा एफ एट का यूज हम करते हैं ऑर्थो मोड ऑन एंड ऑफ के लिए ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स इन ऑटो कैड मास प्रॉपर्टीज गिवस डैश फॉर अ रीजन ऑप्शन ए वॉल्यूम ऑप्शन बी मास ऑप्शन सी एरिया या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबो तो दोस्तों मास प्रॉपर्टीज कमांड के बारे में पूछा गया है फॉर अ रीजन रीजन मीन्स टू डी ऑब्जेक्ट हमारा तो टू डी ऑब्जेक्ट के लिए जो मास प्रॉपर्टीज से हमें पता लगता है वो हमें यहाँ पे पता लग सकता है सिर्फ एरिया ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर और इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन ऑटो कैड में मास प्रोप कमांड घनाकृति के डैश की सूचना देता है इन ऑटोकैड द मास प्रोप कमांड विल प्रोवाइड डैश इन्फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड बॉडी तो यहाँ वहाँ पर दोस्तों हमें फॉर अ रीजन पूछा गया था और यहाँ पर सॉलिड बॉडी के लिए हमें मास प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर ऑप्शन हम देखते हैं ऑप्शन ए मास ऑप्शन बी वॉल्यूम ऑप्शन सी बाउंडिंग बॉक्स या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द बॉक्स तो सॉलिड बॉडी या फिर थ्री डी ऑब्जेक्ट के केस में दोस्तों हमें यहाँ पर ये तीनों ही प्रॉपर्टीज हमें मास प्रॉपर्टीज से पता लग जाएंगी तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट ऑटोकैड में बांध द्वार पैटर्न सहित किसी क्षेत्रफल को भरते समय एक आरेखक में डैश करने की क्षमता होना चाहिए वेन फीलिंग एन एरिया विद अ हैच पैटर्न इन ऑटो कैड द ड्राफ्टर नीड्स टू बी एबल टू डैश ऑप्शन ए सेट द लेयर टू डेफ पॉइंट ऑप्शन बी सी द एंटायर बाउंडिंग एरिया टू हैच ऑप्शन सी सेट ऑर्थो ऑन या या फिर ऑप्शन डी टर्न आई एस ओ ग्रिड ऑफ तो दोस्तों मान लीजिए हमारे पास बॉक्स है और हमें इसको हैच करना है तो इसको हैच करने के लिए यह जो हमारा रेक्टेंगुलर एरिया है ये हमें स्क्रीन पर विजिबल होना चाहिए तभी हम आसानी से उसको हैच कर पाएंगे तो ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया है सी द एंटायर बाउंडिंग एरिया टू हैच तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन कैड में आइसोमेट्रिक आरेखन आरंभ करने से पूर्व आरेखक को डैश की आवश्यकता होती है बिफोर स्टार्टिंग एन आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग इन ऑटो कैड द ड्राफ्समैन नीड्स टू ऑप्शन ए सेट द ग्रिड टू आइसोमेट्रिक ऑप्शन बी सेट द करंट लेयर टू डेफ पॉइंट ऑप्शन सी टर्न ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ ऑप्शन डी टर्न ऑर्थो ऑफ तो दोस्तों आइसोमेट्रिक ड्राइंग करने के लिए क्या होना चाहिए ऑप्शन ए यहाँ पर सेट द ग्रिड टू आइसोमेट्रिक दोस्तों हमें ग्रिड को आइसोमेट्रिक पर सेट करना होगा आइसोमेट्रिक ड्राइंग करने के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर टेन एकल कॉम्प्लेक्स त्रिविम मॉडल में, में दो या अधिक पुरातन आकारों के संयोजन हेतु प्रयुक्त ऑटोकैड आदेश डैश होता है द ऑटोकैड कमांड यूज टू कम्बाइन टू और मोर प्रिमेटिव शेप इंटू अ सिंगल कॉम्प्लेक्स थ्री डायमेंशनल मॉडल इज डैश ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन ए एड ऑप्शन बी यूनियन ऑप्शन सी अटैच या फिर ऑप्शन डी फॉर्म तो दोस्तों अगर हमारे पास दो या दो से अधिक सेप्स हैं और उनको हमें सिंगल थ्री डायमेंशनल मॉडल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो हम कमांड यूज करेंगे वो होगा दोस्तों यूनियन कमांड ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन कैड में एक बेलन का सृजन एक आयताकार आरेखन द्वारा किया जा सकता है तदंतर डैश उपकरण द्वारा किया जा सकता है इन ऑटो कैड अ सिलेंडर कैन बी क्रिएटेड बाई रेक्टेंगुलर शेप देन बाई डैश टूल ऑप्शन ए रिवोल ऑप्शन बी एक्सट्रूड ऑप्शन सी स्वीप या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव तो दोस्तों मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगल इस टाइप से बनाया है और यहां पे हम एक सेंटर लाइन लेके इसको यहां से रिवोल्व कर देते हैं तो हमारे पास एक सिलेंडर क्रिएट हो जाएगा तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए रिवोल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ऑटो कैड में एक तीस मिलीमीटर mm रेखा को जोड़ने हेतु तो अपेक्षित ध्रुवीय संवय प्रणाली का प्रयोग जो आरेखक के ऊपर सृजित रेखा को अंतिम बिंदु से पैंतालीस डिग्री है डैश होगा इन ऑटो कैड यूजिंग रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम टू एड थर्टी एम एम लाइन दैट इज फोर्टी फाइव डिग्री फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन क्रिएटेड अबव द वुड डैश ऑप्शन ए टाइप एट थर्टी एंटर ऑप्शन बी टाइप थर्टी बैक स्लैश एंड एंटर ऑप्शन सी टाइप थर्टी फॉरवर्ड स्लैश एंड एंटर या फिर ऑप्शन डी टाइप थर्टी एंड ट्राई टू यूज द डायनेमिक इनपुट रीड आउट टू फाइंड द एंड पॉइंट तो दोस्तों हमें कोई लाइन क्रिएट करनी है जो कि थर्टी एम एम की है और उसका जो एंगल है दोस्तों एंड पॉइंट से वो होना चाहिए फोर्टी फाइव डिग्री तो इस प्रकार की लाइन क्रिएट करने के लिए हम रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर सकते हैं और जिसको क्रिएट करने के लिए हमें टाइप करना होगा एट द रेट थर्टी लेस देन फोर्टी फाइव तो इस प्रकार जो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टीन एक ऑटो कैड शब्द जो पूर्व आरेखित वस्तु को संदर्भित करता है जिसे आरेखन फाइल में संचित किया है तथा अनुसार अन्य किसी आरेखन फाइल में इंसर्ट किया जा सकता है डैश होता है एंड ऑटोकैड टर्म दैट रेफर्स टू प्री ड्रॉन ऑब्जेक्ट विच इज स्टोर्ड इन अ ड्रॉइंग फाइल एंड कैन बी इंसर्टेड इन टू एनी अदर ड्रॉइंग फाइल एज नीड इज अ डैस ऑप्शन ए ब्लॉग ऑप्शन बी ब्रिग ऑप्शन सी बलून या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबो तो दोस्तों ब्लॉक ब्लॉक को हम क्रिएट कर सकते हैं और बाद में किसी भी ड्रॉइंग फाइल में उसको इंसर्ट किया जा सकता है ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ऑटोकैड में डेस्ट अंकन द्वारा जूम आदेश के प्रयोग से समग्र आरेखण क्षेत्रफल को देखने का एक जल तरीका है इन ऑटो कैड वन क्विक वे टू व्यू द एंटायर ड्राॅइंग एरिया इज टू यूज़ द जूम कमांड बाई टाइपिंग डेस्क ऑप्शन ए टाइप शो ऑल एंटर ऑप्शन बी टाइप जेड एंटर ए एंटर ऑप्शन सी टाइप जेड एंटर ई एंटर या फिर ऑप्शन डी टाइप ऑल एंटर तो दोस्तों ऑटो कैड में हमारा जितना भी ड्राइंग एरिया है उसको टोटल एरिया को अगर हमें स्क्रीन पे विजिबल बनाना है तो उसके लिए जो हम कमांड यूज करते हैं वो होती है दोस्तों जेड एंटर ए एंटर तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन असीम लंबाई की निर्माण रेखा डैश अ कंस्ट्रक्शन लाइन ऑफ इन्फाइनइट लेंथ कैन बी ऑप्शन ए एक कोने से ही ट्रिम किया जा सकता है ट्रिम्प्ड फ्रॉम वन एंड ओनली ऑप्शन बी दोनों कोनों से ट्रिम किया जा सकता है ट्रिम्ड फ्रॉम बोथ एंड्स ऑप्शन सी बिल्कुल ट्रिम नहीं की जा सकती कैन नॉट बी ट्रिम्ड all या फिर ऑप्शन डी निर्माण रेखा से ही ट्रिम की जा सकती है कैन बी ट्रिम्ड विद कंस्ट्रक्शन लाइन ओनली तो दोस्तों कंस्ट्रक्शन लाइन है उसको हम बोथ हैंड से हम ट्रिम कर सकते हैं यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें इसे शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो Please subscribe the channel. Thank you and take care.